हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी क्लटर के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में पुरानी चीजें इकट्ठे करते जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो ये चीज कभी ना कभी तो हमें काम आई जाएगी, लेकिन ऐसा करते करते वो अपने घर में एक कबाड़ सा इकट्ठा कर लेते हैं जिसको हम क्लटर कहते हैं। क्लटर का वास्तु के अनुसार बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी और माइंड पर। कहते हैं हर चीज एनर्जी कंज्यूम करती है और जितनी ज्यादा चीजें आपके घर में और जितना ज्यादा क्लटर उतना ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जिससे कि आपके घर में लैक ऑफ एनर्जी हो रही है, एनर्जी की कमी हो रही है। प्लस क्लटर की वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है। अब ये क्लटर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी और माइंड पे, वो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो कि वाकई ही एक्सपीरियंस किए गए हैं जहां जिन घरों में क्लटर ज्यादा होता है। जैसे कि हेडेक्स होना, टेंशन रहना बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके आसपास पड़ी हुई हैं, मेमोरी लॉस होना, घर वालों के बीच में हार्मनी नहीं रहना, मतभेद रहना, आपकी कोई भी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, आप हमेशा प्लान करेंगे और लास्ट मोमेंट पे या तो प्लान कैंसिल होगा या फिर पोस्टपोन होगा। तो इस तरह से कई चीजें होती हैं जो क्लटर की वजह से आपके घर में इम्पैक्ट डालती है।